100 चूहे खाके बिल्ली चली हाजनू है कहना है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से तंज कसते हुए किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इतने दस दिन कि आज तक कोई भी घट गिनती पाकिस्तान का राष्ट्रपति बने हैं या नहीं। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित भी है, ये वहाँ यहाँ का अल्पसंख्यक जो है वो उसको संवैधानिक अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी है, शैक्षणिक अधिकार भी है और धार्मिक अधिकार भी है। जरा ये जो इमरान खान साहब हैं, नहीं इमरान खान साहब जरा हमको बताएंगे क्या कि पाकिस्तान में कितने फखरुद्दीन अली अहमद पैदा हुए आज़ादी के बाद, कितने डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए, कितने APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए, कितने यूसुफ खां पैदा हुए, सलमान खां पैदा हुए, आमिर खान पैदा हुए, ये खां वो खां कितने पता नहीं खां पैदा हुए, क्या एक भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बन पाया, क्या एक भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति की कला और उसकी काबिलियत की कदर वहाँ सुनाई पड़ी हमें। तो इसलिए जो है वो 100 चूहे खा के बिल्ली को हज पे चली वाली स्थिति है। जो बयान है उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए उन्होंने जो बयान दिया था उसको उन्होंने कहा कि वो उसको क्लियर किया उस, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयानों का कई लोग दुरुपयोग करते हैं और ऐसी ताकतें जो ताकतें कि भारत विरोधी हैं वो जरूर करती हैं, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए।